कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। अब ये क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट, देन दिस एंटायर टॉपिक इज समथिंग विच इज़ अ केक वॉक। जनरली एक मल्टीनेशनल ऑपरेट कैसे करती है कि उसमें एक टॉप कंपनी होती है विच इज़ नोन एज द अल्टीमेट पेरेंट। ये अल्टीमेट पेरेंट रीजनल लेवल पे एक एक होल्डिंग कंपनी बनाती है। जैसे मान लीजिए एशिया के लेवल पे उन्होंने एक कंपनी बना दी सिंगापुर में। ये जो कंपनी है इसके अंडर में जितने भी इन्वेस्टमेंट इनके इंडिया में हैं या फिर कहीं इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में हैं वो सब यहाँ से करते हैं। इसके अलावा देन दे कैन मेक अनदर रीजनल होल्डिंग कंपनी विच में बी केटरिंग टू अ डिफरेंट रीजन। इन दिस केस आई हैव सेड फिलीपींस विच कैन ऑल्सो फॉल इन एशिया, बट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ फिलीपींस इफ दिस वॉज नीदरलैंड्स। Just to explain this a little better, this was Netherlands 1 and Netherlands 2. एक दूसरी regional holding company बनाई इन्होंने Europe के लिए, जो Europe की सारी companies hold करती है। अब generally क्या होता है कि काफ़ी सारी multinationals, सारी नहीं काफ़ी सारी multinationals क्या करते थे, they used to shift their profit। मतलब suppose इस multinational ने एक किसी लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में कंपनी बनाई, इस कंपनी के थ्रू ये सारी की सारी अपनी सेल्स यहां से पुश करते थे जो एक तरह से इंडियन कंपनी के लिए परचेज हो गई। ये सेल्स हाई वैल्यू पे होती थी, मान लीजिए अगर ये सेल्स की वैल्यू $100 की थी तो ये 100 के बजाय 120 पे करेंगे। इंडिया में आप परचेज कर रहे हैं तो आपका $120 का कॉस्ट आ गया, ये जो बाकी डिफरेंस है प्रॉफिट का 20 का ये एक तरह से यहाँ इस कंट्री में अक्रू होगा, और क्योंकि इस कंट्री में टैक्स नहीं है या बहुत कम टैक्स है यू एंडेड अप पेइंग लो टैक्सेस। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ग्लोबली एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ विच इज कॉल्ड बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेप्स प्रोजेक्ट। उसमें एक पॉइंट जो था वो ये था कि कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इसका पर्पस क्या था, इस रिपोर्ट के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ये मल्टीनेशनल ग्रुप है ये किस किस कंट्री में क्या क्या ऑपरेशन कर रहा है। इस रिपोर्ट में आपकी बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, जैसे आपकी इनकम कितनी है कंट्री वाइज, आपके किस कंट्री में एम्प्लॉयज कितने हैं, राइट, आपके एसेट्स किस कंट्री में हैं। जब आप ये देखते थे कि भाई इनकम सारी की सारी मेरी हो रही है इस ज्यूरिसडिक्शन में, और एम्प्लॉयज़ की बात करें तो हो सकता है यहाँ पे एक या दो लोग हैं, इंडिया में इनकम जो है इसकी 1/10 है जबकि इंडिया में 500 लोग हैं, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये कंपनी जो इन्होंने बनाई थी ये टैक्स बचाने के लिए बनाई हुई है। इस चीज़ को टैकल करने के लिए कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग एप्लीकेबल की गई। बट बिकॉज ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट में आपको ग्लोबली सारी कंट्रीज में कंप्लाई करना पड़ेगा और वो करेंगे, तो इसलिए इसकी थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर है। मतलब अगर आपका 5500 करोड़ से ज़्यादा का ग्लोबल टर्नओवर है तभी इंडियन पर्पस के लिए आपको ये रिपोर्ट फाइल करने की ज़रूरत है। अब अगर मैं इंडिया में देखूं तो इसमें क्या है, बिकॉज हमें ये इन्फॉर्मेशन ग्रुप लेवल पे चाहिए, अगर किसी कंट्री में एक से ज़्यादा कंपनियां हैं इस ग्रुप की, अब सबके सब फाइल करेंगे तो भी सेम ही रिपोर्ट फाइल होगी। तो इन रेगुलेशंस में ये बताया गया कि आप अगर एक से ज़्यादा कंपनी है इसमें से आप किसी एक को डेजिग्नेटेड एंटिटी बना दीजिए, लेट दैट कंपनी फाइल द सीबीसी रिपोर्ट एंड द अदर वन कंपनी डजंट नीड्स टू डू कंप्लायंस। ये सब चीज़ें अब हम अगर समझेंगे कि भाई ये रिपोर्ट कब एप्लीकेबल होती है, इसमें क्या क्या फाइलिंग्स हैं, वो सब चीज़ वी विल सी नाउ। द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ country by country reporting. The key objectives of CBCR are as under. The report requires taxpayer to articulate consistent transfer pricing position across the globe. जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने इंडिया में जो फाइलिंग करी उसमें तो एक पोजिशन ली थी
यूएस में जो फाइल करी उसमें एक और पोजीशन ली, और किसी थर्ड कंट्री में अगर फाइलिंग करिए वहाँ कुछ और पोजीशन ली। वंस दिस रिपोर्ट इज अवेलेबल देन यू कैन नॉट टेक डिफरेंट पोजीशन इन डिफरेंट कंट्रीज। द रिपोर्ट विल प्रोवाइड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन विद यूजफुल इंफॉर्मेशन टू असेस टीपी रिस्क। अगर कहीं पे एम्प्लॉयज ज़्यादा हैं बट रेवेन्यू या प्रॉफिट्स कम हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? यहाँ पर अगर एम्प्लॉय कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है, क्या कारण है? सो यू विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट फ्रॉम दिस रिपोर्ट। इट विल फैसिलिटेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टू डिटर्मिन अबाउट वेयर टू देयर रिसोर्सेज कैन मोस्ट इफेक्टिवली बी डिप्लॉयड, एंड इन द इवेंट ऑफ ऑडिट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू कमेंस एंड टारगेटेड ऑडिट इंक्वायरीज। इस डेटा को देखने के बाद आप प्रॉपर क्वेश्चनेयर एक भेज सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस केस में पॉसिबिलिटी एडजस्टमेंट की है तो हमें यहाँ परस्यू करना चाहिए। लेट्स लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग इन सो फार एज इंडिया इज कंसर्न। सेक्शन 92D जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था डिटेल में, इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। उसी डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में ये रिक्वायरमेंट भी इनकॉर्पोरेट अब कर ली गई है। द OECD रिपोर्ट ऑन एक्शन प्लान 13 ऑफ BEPS, BEPS इज वॉट? इट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसके ऊपर हमारा एक पूरा का पूरा मॉड्यूल है जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, बट इसका पर्पस ये है कि अगर कोई मल्टीनेशनल टैक्स प्लानिंग टेक्निक्स लगाती है जिससे एक कंट्री का टैक्स बेस जो है उसे इरोड कर देती है, कम कर देती है, या अपने प्रॉफिट शिफ्ट कर लेती है किसी ऐसे जुरिसडिक्शन पे जहाँ पे वो बिलोंग नहीं करते, उन सब टैक्टिक्स को काउंटर करने के लिए जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वर्ल्ड वाइड इकट्ठे आए और उन्होंने जो प्लान बनाए विच इज़ नोन एज एक्शन प्लान ऑफ BEPS, दैट इज़ वॉट इज़ कंसिडर्ड हियर। एंड वॉट दिस एक्शन प्लान 13 सेज इज़, इट प्रोवाइड्स फॉर रिवाइज स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन and a template for country by country reporting of income, earnings, taxes paid and certain measure of economic activity. So now for every country you have to tell how much income you are getting, how much earnings you have, what is the tax you have paid. ऐसा तो नहीं है कि आप इंडिया में रेवेन्यू बहुत है टैक्स नहीं है, किसी दूसरी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है लेकिन टैक्स वहाँ पर आप दे ही नहीं रहे हो। And certain measures of economic activity. It is recommended in the BEPS report that the countries should adopt a standardized approach to transfer pricing documentation, ताकि compliance भी का burden भी कम हो जाए, information भी standard मिल जाए और अगर कहीं पर deviation है वो पकड़ा जाए। Country by country reporting mandates a three-tiered structure of documentation at the group and the local level. Local हो गया यानी India के level पे, group यानी ultimate parent के level। आपको तीन तरह का, तीन स्टेज का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। अब वो तीनों डॉक्यूमेंटेशन क्या है? फर्स्ट इज अ मास्टर फाइल, देन देर इज अ लोकल फाइल एंड देन देर इज अ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट। मास्टर फाइल जो है एक्चुअली ये बनेगी विच विल कंटेन स्टैंडर्डाइज इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट फॉर ऑल मल्टीनेशनल एंटरप्राइज ग्रुप मेंबर्स। इट प्रोवाइड्स हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ ग्रुप्स ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस एंड ग्लोबल ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। अगर आपको ध्यान हो, when we were talking about documentation, one of the thing which was there was group overview. ये एक तरह से master file जो है इसमें एक group overview होगा जो कि एक standardized तरीके से provided होगा and the same information can be used by all the members of the group. उसमें क्या क्या रहेगा? group के जो global business operations है वो, global transfer pricing policies जो उसकी हैं वो, a local file referring specifically to material transactions of the local taxpayer. लोकल फाइल इंडिया लेवल पे होगी जहाँ पे आप खाली इंडिया के जो ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगे। अ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट कंटेनिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ग्लोबल एलोकेशन ऑफ MNEs इनकम एंड टैक्सेस पेड टुगेदर विद सर्टेन इंडिकेटर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द MNE ग्रुप। CBC रिपोर्ट में क्या क्या होगा कि भाई आप किस कंट्री में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ आपकी कितनी इनकम है, आपने कितना टैक्स पे किया, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। Now, Section 286 of the IT Act requires MNEs and Indian multinational enterprise to report annually CBC report for financial year 16-17 and onwards.
अब ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई इंडियन कंपनी है जिसका बाहर की बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेशन है और इसका कंसोलिडेटेड टर्नओवर 5,500 करोड़ 5,500 करोड़ से ज़्यादा है, इवन दे हैव टू प्रिपेयर दिस सीबीसी रिपोर्ट। रूल 10DA lays down the procedure in relation to the master file. Rule 10DB lays down the procedure for CBCR filings. Let us look at both these rules independently. So let's first look at master file rule 10DA. So first is, what is the monetary threshold for maintaining the master file? मतलब कब आपको एक master file maintain करनी है, आपका revenue कितना होना चाहिए जब आपके लिए mandatory हो जाएगा। International group shall maintain information and document in master file when the consolidated group revenue of the international group is more than 500 crores as reflected in the consolidated financial statements of the international group. अगर आपका जो total group revenue है वो 500 crore से ज़्यादा है, किस में, जो आपने CFS prepare किए हैं international group के, and यानि ये दोनों conditions cumulative है, the aggregate value of international transaction is more than 50 crores during accounting year as per the books of accounts. अगर Indian company के जो international transactions हैं वो 50 crore से ज़्यादा हैं, या फिर is more than 10 crores in respect of purchase, sale, transfer, lease or use of intangible property. तो दो condition है, total turnover group का 500 crore से ज़्यादा, एंड इन दोनों में से कोई भी एक अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, विच इज़ कि आपका टोटल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है ड्यूरिंग द ईयर, या इनटेंजिबल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है। सो इफ द कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 500 करोड़, इफ द आंसर इज येस, देन द सेकेंड नीड इज एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज ग्रेटर देन 50 करोड़, येस, देन द मास्टर फाइल इज एप्लीकेबल। अगर एग्रीगेट वैल्यू 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है लेकिन इनटेंजिबल रिलेटेड ट्रांजैक्शन इज ग्रेटर देन 10 करोड़, देन आल्सो मास्टर फाइल इज एप्लीकेबल। बट अगर ये दोनों ही नहीं है तो देन देर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू फाइल मास्टर फाइल। अगर कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, देन आल्सो मास्टर फाइल इज नॉट एप्लीकेबल। सो व्हाट डू यू डू इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग द मास्टर फाइल? देर आर टू parts of form 3CA. आपको form 3CA AA file करना है master file के लिए, even though आपका turnover कितना भी हो। अब इसके दो part हैं, दोनों के ऊपर जो limit है वो दोनों अलग है। The information for international group shall be submitted in master file in form 3CA. Such form consists of two part, part A, part B. Now part A needs to be filed by every constituent entity of international group even if the dual threshold of group revenue of 500 crore and international transaction of 50 or 10 crore is not satisfied. हमने अभी डिस्कस किया था कि मास्टर फाइल की एप्लीकेबिलिटी तब नहीं है अगर आप ये 500 करोड़ प्लस 50 और 10 करोड़ का क्राइटेरिया मीट नहीं करते, लेकिन वो सिर्फ पार्ट बी के लिए एप्लीकेबल है। पार्ट ए में जो है आपकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी इवन इफ दीज टू मॉनिटरी थ्रेशहोल्ड्स आर नॉट मेट। तो लिटरली एक तरह से देखा जाए तो ये सभी को फाइल करना है अगर आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। फॉर्म 3CEAB फॉर इंटीमेशन, फॉर द इंटरनेशनल ग्रुप हैज मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया, इट शुड डेजिग्नेट वन ऑफ द एंटिटी फॉर फाइलिंग ऑफ मास्टर फाइल इन फॉर्म 3CEA. जैसा मैंने आपको उस पिक्चर में दिखाया था, अगर इंडिया में आपकी दो कंपनीज हैं, मान लीजिए आइको 1 एंड आइको 2, दोनों अगर सेम मास्टर फाइल करेंगी मास्टर फाइल फाइल करेंगी कोई फायदा नहीं, सेम इंफॉर्मेशन होगी, सेम डेटा होगा। इसलिए इन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी एक से ज़्यादा एंटिटी है तो आप ये बोल सकते हैं कि एक एंटिटी इनमें से डेजिग्नेटेड एंटिटी है फॉर्म 3CEA फाइल करने के लिए। इन सच अ केस फॉर्म 3CEAA हैज टू बी फाइल्ड बाय सच डेजिग्नेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी एंड इंटीमेशन ऑफ द सेम शुड बी फाइल्ड इन फॉर्म 3CEAB. इन दोनों में से किसी एक को ही फाइल करना होगा लेकिन उसकी इंटीमेशन आपको 3CEAB में फाइल करनी होगी। सो मास्टर फाइल 3CEAA पार्ट ए हैज टू बी फाइल्ड बाय एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, पार्ट बी ओनली व्हेन द थ्रेशोल्ड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड।
3CEAB की जो इंटीमेशन है, जब इंटरनेशनल ग्रुप की इंडिया में एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है सिर्फ तब फाइल होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट वी विल डिस्कस इज व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ मास्टर फाइल इन फॉर्म 3CEAA. नाउ दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस बिल 2018. Once they are passed, we will come out with necessary rectification on this part. The time limit for financial year 16-17 is on or before 31-3-2018. For next year onwards, which is financial year 17-18 onwards, it will be on or before the due date of filing of return. What is the key information and documents which are required to be maintained in master file? This is description of functions, asset, and risk analysis FAR of all the constituent entities that contribute at least 10% of the revenue or assets or profits of the group. Now this is again part B that we are talking about. Part A mein bahut hi basic information jati hai us company ke jo ek constituent entity hai. But agar part B file karna hai, which is applicable when you have 500 plus 50 or 10 criteria satisfied, तब सिर्फ वही एंटिटी जो 10% का रेवेन्यू हो जिनका ग्रुप में, या एसेट्स हो या प्रॉफिट्स हो, केवल वही उन्हीं की एफएआर जो है हमें करनी पड़ेगी. डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप इंक्लूडिंग नेम्स एंड एड्रेस ऑफ टॉप 10 अनरिलेटेड लेंडर्स. जो भी आपका ग्रुप है उसका जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, मान लीजिए आपने जिन टॉप 10 लोगों से लोन लिए हुए हैं उनके बारे में डिटेल, लिस्ट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप विच आर एंगेज इन द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी. वो कौन से मेंबर्स हैं आपके ग्रुप के जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी डेवलप करने में लगे हुए हैं. नाउ लेट्स लुक एट रूल 10DB विच इज रिलेटिंग टू CBC रिपोर्ट. सो फर्स्ट इज व्हाट इज द मॉनिटरी थ्रेशोल्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट. As per rule 10DB, where the consolidated group revenue of international group exceeds Rs. 5500 crores, then they have to file CBC report. There has to be an intimation which has to be given. If this has to be filed, then an intimation in form 3CEAC needs to be given. The Indian entity having a parent entity resident outside India, matlab agar maan lijiye ek foreign company hai aur uski ek India mein subsidiary hai. So Indian entity which has a foreign parent will be required to provide information on or before the prescribed date in form 3CEAC, whether it is the alternate reporting entity of the international group. Ab alternate reporting entity kya hoti hai, wo hum abhi discuss karenge. The details of the parent entity or the alternate reporting entity, if any, of the international group, and the country or territory of which the said entities are the resident. अब आपको ये बताना है या तो आप हैं या नहीं ऑल्टरनेटेड रिपोर्टिंग एंटिटी. अगर आप नहीं हैं तो कौन है ये आपको बताना पड़ेगा. सो द मैनर एंड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट. इफ द पेरेंट एंटिटी और द ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इज रेजिडेंट इन इंडिया, then the CBCR has to be filed in form 3CEAD for every reporting accounting year for financial year 16-17 before March 31, 2018, for next year onwards on or before due date of filing income tax return. जहाँ transfer pricing लगती है वहाँ due date return filing की आपकी होती है November 30, मतलब 17-18 के लिए आपको November 30, 2018 तक ये file करनी होगी. If the constituent entity is resident in India whose parent entity is not a resident in India. मतलब इस केस में क्या था, आइको है राइट, जो कि इंडिया की रेजिडेंट है. इस केस में कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जो है इसका जो पेरेंट है, दैट पेरेंट इज नॉट अ रेजिडेंट इन इंडिया, देन इन दैट केस द CBCR हैज टू बी फाइल्ड इन फॉर्म 3CEAD फॉर एवरी रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ईयर. Again, the timelines are the same. Constituent entity resident in India, whose parent entity is not a resident in India, need to submit intimation in form 3CEAC to specify whether it is the alternative reporting entity of the group or details of the parent entity, etc.
फॉर्म 3CEAC शुड बी फाइल्ड एटलीस्ट 2 months बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ CBCR। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्च 31 की डेट है, 31 मार्च की डेट है, देन दिस फॉर्म 3CEAC हैज़ टू बी फाइल्ड बाय जनवरी 31। इफ दिस इज नवंबर 30th, देन इट हैज़ टू बी सितंबर 30th 2018। सीबीसी रिपोर्टिंग बाय इंडियन एंटिटी वेर इट इज अ मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप। A resident constituent entity of an international group shall be required to furnish CBC report to the prescribed authority if the parent entity of the group is a resident in a country with which India does not have an arrangement for exchange of CBC report, or such country is not exchanging information with India even though there is a agreement, that is existence of systematic failure, and this fact has been intimated to the entity by the prescribed authority. तो मान लीजिए दो केसेस हो सकते हैं। अब एक पेरेंट है, एक इंडियन कंपनी है। अगर ये पेरेंट किसी ऐसी कंट्री का टैक्स रेजिडेंट है जिसके साथ इंडिया का कोई अरेंजमेंट नहीं है, डज नॉट हैव एन अरेंजमेंट एक्सचेंज ऑफ CBC रिपोर्ट का, देन द इंडियन कंपनी हैज टू फाइल द CBC रिपोर्ट। या फिर सेकेंड केस ये हो सकता है कि ये उस कंट्री का टैक्स रेजिडेंट है, उसके साथ इंडिया का अग्रीमेंट तो है, इंडिया का अग्रीमेंट है कंट्री के साथ, बट ये कंट्री जो है वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर रही है, और ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर रही है, ये चीज़ इंटीमेट करके बता दी गई है किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को। तो अगर इंडियन एंटिटी को ये गवर्नमेंट ने इंटीमेट कर दिया कि भाई आपका पेरेंट जो है जिस कंट्री का रेजिडेंट है, आइडियली इनको CBC रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करनी चाहिए, बट ये कर नहीं रहे, अगर ये नहीं कर रहे तो नाउ यू हैव टू फाइल इट। बट अगर ये एक ऐसी कंट्री का रेजिडेंट है जिसके साथ ये अग्रीमेंट है ही नहीं, देन दिस कंपनी हैज़ टू फाइल इट। इन केस वेयर देर आर मोर देन वन इंडियन रेजिडेंट एंटिटी आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप, द रिपोर्ट शैल बी फर्निश्ड बाय द एंटिटी विच इज नॉमिनेटेड बाय द इंटरनेशनल ग्रुप, प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑफ सच नॉमिनेशन हैज़ बीन कन्वेड टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन राइटिंग ऑन दिस बिहाफ ऑफ द ग्रुप। अगर इस पेरेंट के मान लीजिए दो इंडियन कंपनीज हैं, तो दोनों को रिक्वायरमेंट नहीं है ये फाइल करने की, इनमें से एक को नॉमिनेट कर सकता है ग्रुप फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग द CBC, एंड देन दिस ग्रुप हैज टू और दिस कंपनी हैज टू डू द नेसेसरी फाइलिंग्स। एन एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश CBC रिपोर्ट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए कि भाई दो या तीन एंटिटी हैं सब CBC रिपोर्ट फाइल ना करें, वो डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड करे हैं कि कब आपको ये रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत नहीं है। एन ऑल्टरनेटिंग रिपोर्टिंग एंटिटी ऑफ द ग्रुप हैज फर्निश्ड द रिपोर्ट विद द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री और टेरिटरी इन विच सच एंटिटी इज अ रेजिडेंट ऑन और बिफोर द डेट स्पेसिफाइड। सपोज पेरेंट कंपनी जो है टैक्स रेजिडेंट है US की, वी हैव एन इंडियन कंपनी, राइट। अगर पेरेंट ने ऑलरेडी CBC रिपोर्ट फाइल कर दी, राइट, अब ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी पेरेंट भी हो सकती है, कोई और कंपनी भी हो सकती है। द रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स इन द सेट कंट्री और टेरिटरी। US की रिक्वायरमेंट थी कि CBC रिपोर्ट फाइल हो, और इस कंपनी ने उसके हिसाब से फाइल कर दी। द सेट कंट्री और टेरिटरी हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ CBC रिपोर्ट। US का मान लीजिए इंडिया के साथ अग्रीमेंट है कि जो भी ये CBC रिपोर्ट इन्होंने फाइल करी है, हम ये आपके साथ एक्सचेंज कर लेंगे। The prescribed authority has not conveyed to the entity of the group that is resident in India any systematic failure in respect of the said country or territory. अब जो इंडिया में prescribed authority है उसकी तरफ से कोई notification नहीं आया ICO को कि आपको ये report file करनी है, क्योंकि US ने मना कर दिया data देने से। The alternate reporting entity informed in writing to the said country or territory on behalf of the international group and the prescribed authority has been informed by the sent entities in India. Right? Penalty for non-furnishing of report. अगर आप compliance नहीं करते CBC provision से, तो कुछ penalties हैं. Where an entity is required to furnish a CBC report under these provisions, fails to do so within the prescribed time, the penalty shall be payable, which is 5,000 per day, where the period of default is less than a month. एक महीने से कम का डिफॉल्ट है तो 5,000 per day.
15,000 per day where the default period exceeds a month, and 50 per thousand per day in case of continuing default even after service of order levying penalty. मतलब मान लीजिए आपने 25 days delay किया तो 5,000 per 35 days किया तो 15,000 per day. अब आपको 35 days के बाद government का order आ गया ये penalty का, लेकिन फिर भी आपने file नहीं किया, आपका default continue कर रहा है, then 15,000 per day. Penalty for failure to produce information and documents. In case the information called by prescribed authority for determination of accuracy of CBC report is not submitted within the time specified in the notice, reporting entity shall be penalized by rupees 5,000 per day after expiry of period specified in such notice. आपने CBC report file करी, आपसे information government ने मांगी, बोला 31st January 2019 तक आप information दे दीजिए, आपने दिया नहीं, तो पेनल्टी कितनी होगी 5,000 पर डे. फर्दर फॉर एनी डिफॉल्ट दैट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सर्विस ऑफ ऑर्डर लिविंग पेनल्टी, देन पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट बियॉन्ड द प्रोविजन शैल बी 50,000 पर डे. अगर ये 5,000 पर डे की पेनल्टी आपको लगा के एक ऑर्डर मिल गया फिर भी आपने इसको जमा नहीं किया तब 50,000 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी. पेनल्टी फॉर फाइलिंग इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन सीबीसी रिपोर्ट. पेनल्टी फॉर फाइलिंग ऑफ इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन सीबीसी रिपोर्ट. अगर आप सीबीसी रिपोर्ट में कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, इफ एन एंटिटी हैज प्रोवाइडेड इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन सीबीसी रिपोर्ट, पेनल्टी वुड बी 5 lakh. इफ द एंटिटी हैज नॉलेज ऑफ इनएक्यूरेसी एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट बट डज नॉट इन्फॉर्म द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी. अगर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग यू न्यू कि इसमें रिपोर्ट जो है वो इनएक्यूरेट है लेकिन आपने फिर भी फाइल कर दी, देन इन दैट केस द पेनल्टी विल बी 5 lakh. Second is the entity discovers the inaccuracy after the report is furnished and fails to inform the prescribed authority and furnish correct report within a period of 15 days of such discovery. जब आपने report file की तब आपको पता नहीं था but subsequently आपको पता चल गया, लेकिन जिस दिन पता चला उसके 15 दिन के अंदर अगर आपने correct report नहीं file करी या inform नहीं किया, then in that case again 5 lakh will be levied. The entity furnishes inaccurate information or document in response to a notice by the prescribed authority. अगर prescribed authority ने आपसे कुछ document मांगे हैं और आपने वो submit नहीं किए या गलत कर दिए हैं, sorry, नहीं करने वाला क्लॉज ये नहीं है, अगर आपने गलत कर दिया तब भी ये penalty लग सकती है. However, there is an exemption from penalty under section 273B if the assessee proves that there was a reasonable cause for such failure. Maintenance and furnishing of master file. Penalty for non-furnishing of information and documents to the prescribed authority under section 286 subsection 1 shall also be 5 lakh. Again, if there is a reasonable cause for non-furnishing of information and documents to the prescribed authority, then this penalty is not going to be levied. Now let us look at some definitions in terms of the terms which have been used in this particular chapter. International group. It means any group that includes two or more enterprises which are resident of different countries or territories. Agar ek company US mein hai aur uski keval India mein hi ek subsidiary hai. This means they are operating in two countries. There are two or more enterprises which are resident of different countries, then this group will be known as an international group. Or an enterprise being a resident of one country or territory which carries on business through a PE in other country or territories. Matlab agar ek entity hai US mein, uski India mein koi dusri legal entity nahi hai but uski PE hai India mein. Even these two together can form an international group. Second is definition of group. Group includes a parent entity and all the entities in respect of which, for the reason of ownership or control, a consolidated financial statement for financial reporting purposes. So suppose ek parent entity hai. Again, let's say this is in US. Right?
और इसकी और सब्सिडरीज हैं, एंड बाय रीजन ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ सच सब्सिडरीज दिस कंपनी द पेरेंट एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फाइल CFS इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंट्री और टेरिटरी ऑफ विच द पेरेंट एंटिटी इज अ रेजिडेंट. अगर इस एंटिटी को किसी भी लॉ के अंडर में CFS प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इस कंट्री में एप्लीकेबल है वो प्रोवाइड करते हैं कि इसको CFS बनाने की ज़रूरत है, और वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड हैड द इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी ऑफ द एंटरप्राइज वर टू बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री और टेरिटरी ऑफ विच द पेरेंट एंटिटी इज अ रेजिडेंट. मतलब या तो आप ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, या ये दीज वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड अगर आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते. मान लीजिए ये CFS प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं प्रोवाइड करते, बट अगर ये लिस्ट हो जाती तो इसको एक ऑब्लिगेशन थी कि एज अ ग्रुप दे हैव टू प्रिपेयर CFS. इन दैट केस टुगेदर दे वुड क्वालिफाई एज अ ग्रुप. सो टू थिंग्स, वन, ईदर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS whether under the law of the country where you are there or as per the accounting standards applicable in that country. But if these two are not the case, but you would have been required to prepare such statement if you were listed, then you will qualify as a group. Constituent entity kya hogi? Any separate entity of an international group that is included in the CFS of the said group for financial reporting purposes or may have been so included if the equity share of any entity of the international group were to be listed on the stock exchange. Same, agar aap parent entity ho, aapki India mein constituent entities kya hongi? Wo entity, abhi humne kaha tha parent entity CFS prepare karti hai. But agar is CFS mein is entity ke accounts included hote hain financial reporting purposes ke liye, then this is a constituent entity. Ya fir, any entity that is excluding from CFS of the international group solely on the basis of size or materiality. Generally ये CFS में include हो जाती, मान लीजिए ये तो CFS में include हो गई, but एक second entity थी जो कि group का 1% turnover भी नहीं था इनका पूरे साल का. In that case CFS prepare करते वक्त उस country के law के हिसाब से हमने इसको exclude कर दिया क्योंकि ये material नहीं थी. Even then this will qualify as a constituent entity. Any PE of any separate business entity of an international group included in clause 1 or 2, if such business unit prepares a separate financial statement for such PE for financial reporting, regulatory, tax reporting or internal management control purposes. Agar is foreign company ki India mein koi PE hai, right? Kisi bhi business entity ki, if such business unit prepares a separate financial statement of such PE. अगर आप इसके अलग से PE के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्स या रेगुलेटरी पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, देन ऑल्सो दिस PE विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी. डेफिनेशन ऑफ अ पेरेंट एंटिटी. पेरेंट एंटिटी मीन्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप होल्डिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन इंटरेस्ट इन वन और मोर ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ द इंटरनेशनल ग्रुप सच दैट it is required to prepare a CFS under any law for the timing in force or accounting standard of the country or territory of which this entity is a resident. If you remember, we had looked at an example ki ek ultimate parent hai, iske niche regional holding company hai aur iske niche country 1 mein, country 2 mein, country 3 mein alag alag entities incorporated hai. Ab ye parent entity wali cheez aap is regional holding company ke context mein dekhiye. वो एंटिटी जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट है वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज़ में, ये कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी हो गई. इस रीजनल होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट है इनमें, और अगर ये CFS अपना प्रिपेयर करती है और उसमें इन सब को इंक्लूड करती है, और ये CFS कैसे प्रिपेयर कर रही है, अंडर द लॉ एप्लीकेबल टू दिस कंट्री, देन या इसको इंक्लूड करना पड़ता अगर इस कंपनी के शेयर्स जो हैं लिस्टेड होते. अगर ये लिस्टेड कंपनी होती जिसके अंडर में इसको CFS बनाने पड़ते, उन CFS में अगर इफ इट वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू इंक्लूड दीज, देन ऑल्सो इट इज़ अ पेरेंट एंटिटी.
and there is no other constituent entity of such group which, due to ownership of any interest, directly or indirectly in the first mentioned constituent entity, is required to prepare a CFS under circumstances mentioned in 1 or 2 that includes the separate financial statement of the first mentioned constituent entity. मतलब और किसी entity में ये club नहीं हो रहे होने चाहिए. Reporting entity means the constituent entity including the parent entity or the alternate reporting entity that is required to furnish a report as per CBC reporting provision. वो entity जिसको report करने की obligation है, चाहे वो parent entity हो या alternate reporting entity हो. Alternate reporting entity का मतलब क्या है? Any constituent entity of the international group that has been designated by such group in the place of the parent entity to furnish the report of the nature referred to in subsection 2 in the country or territory in which the said constituent entity is a resident on behalf of such group. Yani alternate reporting entity kya hui? Koi bhi aisi constituent entity jo designated hai parent entity ki jagah CBC report file करने के लिए उस country या territory में जहां पर ये constituent entity resident है. किसके behalf पे? उस group के behalf पे. Systematic failure. हमने discuss किया था कि systematic failure क्या होता है. जब India का agreement है किसी country X के साथ CBC report exchange करने का, right? लेकिन ये कंट्री एक्सचेंज नहीं करती, उसको सिस्टमैटिक फेलियर हमने कहा था कि बोलते हैं. बट लेट अस लुक एट द लीगल डेफिनेशन. सिस्टमैटिक फेलियर विद रिस्पेक्ट टू अ कंट्री और टेरिटरी मींस दैट द कंट्री और टेरिटरी हैज एन अग्रीमेंट विद इंडिया प्रोवाइडिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ रिपोर्ट ऑफ द नेचर रेफर टू इन सबसेक्शन 2, मतलब सीबीसी रिपोर्ट, बट इन वायोलेशन ऑफ द सेड अग्रीमेंट इट हैज सस्पेंडेड ऑटोमेटिक एक्सचेंज. अग्रीमेंट था बट उन्होंने ऑटोमेटिक एक्सचेंज नहीं किया. हैज परसिस्टेंटली फेल्ड टू ऑटोमेटिकली प्रोवाइड टू इंडिया द रिपोर्ट इन इट्स पोजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरनेशनल ग्रुप हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया. अग्रीमेंट तो वायलेट नहीं किया, देने से मना नहीं किया, लेकिन दी भी नहीं. इन दोनों ही केस में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर है. और जब सिस्टमैटिक फेलियर होता है इस कंट्री का, तब इंडिया कैन आस्क द entities in India of this group to file a CBC. Generally अगर agreement होता है तो CBC इस country से यहाँ पर मिल जानी चाहिए, but अगर systematic failure है इस country का, then India can ask the entities in India to provide the CBC report. Accounting year का मतलब क्या है? Previous year in case where the parent entity or the alternate reporting entity is a resident in India. अगर पेरेंट जो है इंडिया का रेजिडेंट है, ये आउटबाउंड के केस में होगा. मतलब अगर एक इंडियन कंपनी है जिसकी ग्लोबली बहुत सारी एंटिटीज हैं उसके अंडर में, तो पेरेंट एंटिटी जो है वो रेजिडेंट है इंडिया की, तब उस केस में प्रीवियस ईयर इज द अकाउंटिंग ईयर. एन एनुअल अकाउंटिंग पीरियड विद रिस्पेक्ट टू द पेरेंट एंटिटी ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स or applicable accounting standard of the country or territory of which such entity is a resident. अगर मान लीजिए एक US company है, एक Indian company है, इस case में parent India का resident था, इसमें अगर US की resident है तो यहाँ पर जो annual accounting period है इनका, इनके law के हिसाब से, that is what we are going to consider. Agreement means agreement referred to in section 90 subsection 1 or 90A subsection 1. ये DTA हो गया या ये वो agreement हो गया जो किसी specified association ने किया हुआ है. Any agreement as may be notified by the central government in this behalf. CFS का मतलब क्या है? Consolidated financial statement का. Consolidated financial statement means financial statement of an international group in which the assets, liabilities, income, expenses and cash flow of the parent entity and the constituent entity are presented as those of a single economic activity. मतलब CFS क्या होते हैं? यहाँ parent है, यहाँ subsidiary है. अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब इन दोनों के merge करके हम एक single account statement बनाते हैं, उसको CFS बोलते हैं.